नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जिसका चर्चा में कुछ दिनों पहले से भी आपके साथ किए थे, क्योंकि नेक्स्ट जो अदानी बनने वाले हैं, मैं आपको एक थंबनेल भी दिया था कि नेक्स्ट अदानी बनने वाले है और एक कंपनी। तो नेक्स्ट अदानी क्यों बनने वाला है, क्योंकि देखिए अदानी के ऊपर आज इतनी ज़्यादा कर्जा है, इतनी ज़्यादा कर्जा है, और उस कर्जे के कारण आज अदानी ग्रुप का हालत इस जगह पे आके खड़ा हो गया। बहुत सारे अदानी ग्रुप के कंपनी देखा जाए तो 85% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। मुझे लगता है और भी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट भी लगातार गिरते जा रहा है। निफ्टी 17,000 का लेवल के नीचे भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मतलब गिरावट का माहौल सामने आने वाला है, और इस माहौल में बाकी सारे कंपनी गिरेंगे। तो पिछले दिनों में भी आपने देखा कि निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट हुआ था, सेंसेक्स में भी अच्छा खासा गिरावट हुआ था, और आज भी देखेंगे तो गिरावट का माहौल था। तो इस सिनेरियो में आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उस कंपनी के ऊपर ऐसा कौन सा न्यूज आया जिसके चलते हुए एक शानदार रैली, और वो भी गैप आप मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, ये जो गैप आप लेवल में ओपन हुआ उसके पीछे लॉजिक कौन सा है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि आपको जानना है इस तरीके से तेजी होने के पीछे कारण कौन सा है, क्योंकि जो कंपनी के ऊपर मैं एक बार आपको बोल के दिया था कि ये कंपनी सेकेंड अदानी बनने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है। तो चलो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि जितने सारे स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी जगह पे बनेंगे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट दे दूंगा, क्योंकि वहाँ से आप एक स्विंग ट्रेडिंग लेकर अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से ट्रेड में अच्छा खासा पैसा भी बनते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम है वेदांता। आप सभी जानते हैं वेदांता कितने बड़े ग्रुप है, और ये भी एक पॉपुलर ग्रुप है, अदानी जैसे भी पॉपुलर ग्रुप है, फिर भी वेदांता के ऊपर इतना प्रेशर क्यों आया। आप सभी जानते हैं वेदांता के अपने आप अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए किस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला, बिग क्रैश, क्योंकि इस तरीके से क्रैश तभी हुआ था जब अदानी का भी हालत नहीं खराब हुआ था, तब से लेकर यहाँ पे क्रैश देखने को मिला है। अगर ये जो क्रैश है ना, आप देखेंगे कब से हो रहा है, 2022 के अप्रैल मंथ से, और तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज चलते आ रहा है। और नेगेटिव न्यूज कौन सा है वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, उस कर्जे के इशू के कारण इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और पिछले दिनों में आप देखेंगे इस स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। आप कहेंगे सर कुछ तो खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, देखिए खास परफॉर्मेंस के लिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी एक गैप अप में ओपन हुआ और क्लोजिंग थोड़ा सा करके डाउन साइड में हो गया। फिर भी इस गैप अप में ओपन होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर जो रैली देखने को मिला था ना, मतलब ये जो गैप अप में ओपन होने का जो सिलसिला था वो किस लिए हुआ, मैं 5 दिन का चार्ट पर ओपन कर दूँ, देखिए आपको खुद पता चलेगा कि स्टॉक में कितना प्रेशर है। अगर इस तरीके से रिकवरी नहीं करता यहाँ पे 5-7% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाता। एक मंथ के बारे में बात करो तो 10% तक नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखा है तो 3.5% तक नेगेटिव रिटर्न, एक साल में कितना 25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो सोचिए ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण है, उस कारण के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूँ कि कंपनी ने जो न्यूज़ अपडेट दिया, कंपनी ने जो न्यूज़ पब्लिश किया वो आपको ध्यान से देखना है, ये इस तरीके से तेजी के पीछे कारण कौन सा है। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ, पूरा क्रेडिट बिजनेस स्टैंडर्ड को दूंगा, क्योंकि कंपनी के सारे न्यूज इस चैनल के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा दिखाता हूँ, और बहुत अच्छा खासा न्यूज भी इस कंपनी पब्लिश करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बताया जा रहा है, $100 मिलियन रीपे टू, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड, यहाँ पे देख सकते कैरेक्ट, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो देखा जाए तो एक इंटरनेशनली बैंक है, जो देखा जाए तो बहुत सारा कंट्रीज के ऊपर इस बैंक का मतलब
फ्रेंचाइजीज है, और इस बैंक के ऊपर वेदांता ने बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा था, मतलब उधारी लेके रखा था, पैसा लोन के हिसाब से लेके रखा था। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 मिलियन डॉलर यहाँ पे प्रीपे किया। 100 मिलियन डॉलर मतलब आप समझते हैं कितने बड़े अमाउंट है। तो चलो मैं बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ क्लियर करता हूँ। अब देख सकते हैं वेदांता, जो मतलब जो नाम सबके मन में है वही नाम अभी चर्चे में है। अदानी ग्रुप के बाद अगर किसी कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो वेदांता के ऊपर हो रहा है। अब देखेंगे वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड ऑन वेडनेसडे सेड इट हैड रीपेड 100 मिलियन टू स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक ऑन मार्च 10, रिलीजिंग द इन यहाँ पे देखिए इनकम ब्रांच। तो मतलब इनकम ब्रांच मतलब यहाँ देखा जाए तो ये जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक है ना, मैं चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बातचीत कर लूँ। देखिए ये एक इंटरनेशनल बैंक है। आप इसका शाखाएं देखेंगे तो देखिए हर कंट्री में आपको दिखेगा, आप हर जगह पे आपको दिखेगा, हर ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो देखिए कनाडा, चिली, चाइना, हर कंट्रीज के ऊपर इसका शाखा है। यूनाइटेड स्टेट, जिम्बाब्वे, तो तुर्की, तो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर इसका मतलब देखा जाए तो शाखा है। तो एक एक डिजिटली बैंक है, एक ऑनलाइन बेसिस बैंक है, तो हर कंट्रीज के साथ आरबीआई के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस बैंक के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा क्या किया, रीपे किया। अब वेदांता ने क्या किया, इस मतलब इसका जो कर्जा था वो रीपे किया। अभी देखना है कितना कर्जा था। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 मिलियन का जो कर्जा है वो 10 तारीख को यहाँ पे रीपे किया। इन रेगुलेटरी फाइलिंग मतलब जो कोई भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है, कोई भी पैसा जमा किया है, उधार लिया है, वो सब कुछ सेबी के पास जमा करना पड़ता है, तो इसलिए रेगुलेटरी फाइलिंग कहा जाता है। तो रेगुलेटरी फाइलिंग द कंपनी लीड बाय यहाँ पे देख सकते हैं बिलीनियर अनिल अग्रवाल सेड, मतलब उनके जो चेयरमैन है, उनके जो उन्होंने खुद बताया है कि द अर्लियर डिस्क्लोजर वॉज मेड परसेंट ऑफ फैकल्टी सॉरी ऑफ फैसिलिटीज एग्रीमेंट डेटेड 8 सितंबर, मतलब 2022 के एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने जो टारगेट रखा, जो उसका जो मतलब कर्जा है उसको रीपेमेंट करने के लिए। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए चैरेक्टर मतलब कैरेक्टर बैंक है वो सिंगापुर बेसिस बैंक है, और ये बैंक के जो टोटली एग्रीमेंट अमाउंट है वो कितना, 1 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं, 1 करोड़ डॉलर, तो मतलब 100 मिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं। तो इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा, तो उनमें से कितना कर्जा पेमेंट कर रहा है, सिर्फ के सिर्फ 100 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट के बारे में बात किया जा रहा है तो वो टोटली आप देख सकते हैं, रिसेंटली वेदांता सेड इट हैड मतलब प्रीपेड ऑल इट्स डेट ड्यू टू रीपेमेंट टिल मार्च 2023, मतलब देखिए ईयर एंडिंग कब होता है, 2023 में, और 2023 की ईयर एंडिंग के पहले ही जितने सारे कर्जा है और जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है उसको मिटाना पड़ता है। तो आप देखेंगे उन्होंने बता रहा है कि जितने सारे ड्यू है वो पहले ही प्रीपे किया गया है। इट हैज यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टेडली पेड नियरली 2 बिलियन ऑफ इट्स लोन इन द पास्ट 11 मंथ, मतलब जो लोन है इसका वो धीरे धीरे करके मिटा जा रहा है, और वो भी कितना, 2 बिलियन लोन, मतलब 2 बिलियन मतलब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और यही एक कारण है, देखिए जब कोई कंपनी खुद का लोन मिटाता, आज अदानी ग्रुप देखिए किस तरीके से भाग रहा है, डाउन साइड में गिरावट के बाद किस तरीके से भाग रहा है, बहुत सारे स्टॉक के ऊपर तो अपर सर के लगते जा रहा है। क्यों लगते जा रहा है, क्योंकि अदानी ने बताया कि उसका ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो धीरे धीरे करके प्री पे कर रहे हैं, मतलब पहले ही पेमेंट कर रहा है। तो इसके कारण जो मतलब देखिए आपका मेन जो वजह है, जो कर्जे के कारण ही आपके स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ, तो वो पहले आप पेमेंट कर देते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो यही वजह है, यही कारण है जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। तो मेन मुद्दा आपको क्लियर हो चुके हैं। तो वेदांता के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और
इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।